नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम LIC सरल पेंशन योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। LIC सरल पेंशन योजना जिसका टेबल नंबर है 862, पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में हम LIC सरल पेंशन योजना से जुड़े हुए सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट LIC सरल पेंशन योजना के फीचर्स, उसके एडवांटेजेस पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वेल, LIC सरल पेंशन योजना में LIC ये बोलता है कि पॉलिसी होल्डर को एक फिक्स्ड अमाउंट LIC के पास जमा करना है और LIC इस फिक्स्ड अमाउंट के बदले पॉलिसी होल्डर को एक फिक्स्ड पेंशन प्रोवाइड करेगा। अब पॉलिसी होल्डर इस पेंशन को मंथली बेसिस पर भी ले सकता है, क्वार्टरली बेसिस पर भी ले सकता है, हाफ ईयरली बेसिस पर भी ले सकता है और ईयरली बेसिस पर भी ले सकता है। अब इस केस में LIC पॉलिसी होल्डर को दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन है सिंगल पेंशन का और दूसरा ऑप्शन है जॉइंट पेंशन का। अगर हम पहले केस की बात करें तो इस केस में पॉलिसी होल्डर को LIC के पास एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होगा और इसके बदले LIC पॉलिसी होल्डर को एक फिक्स्ड पेंशन प्रोवाइड करेगी। अब ये पेंशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये मंथली बेसिस पर भी हो सकती है, क्वार्टरली बेसिस पर भी मिल सकती है, हाफ ईयरली बेसिस पर भी मिल सकती है और ईयरली बेसिस पर भी मिल सकती है। इस केस में LIC ये बोलता है जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है उसे पेंशन मिलती रहेगी, यानी एक फिक्स पेंशन उसे मिलती रहेगी। जिस समय पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाएगी उस समय जितना भी पैसा पॉलिसी होल्डर ने इन्वेस्ट किया था, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 10 लाख रुपए इनिशियली पॉलिसी होल्डर ने LIC के पास जमा किया था, तो ये 10 लाख रुपया जिसको भी पॉलिसी होल्डर ने नॉमिनेट किया था उसके अकाउंट में LIC के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर हम दूसरे केस की बात करें तो इस केस में भी LIC यही बोलता है कि पॉलिसी होल्डर को एक फिक्स्ड अमाउंट LIC के पास जमा करना होगा, लेकिन इस केस का एक एडवांटेज ये है जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है उसे पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है उस केस में जो भी सेकेंडरी मेंबर है, यानी जिसके साथ भी पॉलिसी होल्डर ने जॉइंट अकाउंट ओपन किया था, यानी जब तक सेकेंडरी होल्डर की डेथ नहीं होगी तो उस केस में सेकेंडरी होल्डर को भी पेंशन मिलती रहेगी। जिस समय प्राइमरी होल्डर यानी जो पॉलिसी होल्डर है प्लस सेकेंडरी होल्डर दोनों की डेथ हो जाएगी उस समय जितना भी पैसा है, यानी जो भी पैसा इनिशियली इन्वेस्ट किया गया था, ये सारा का सारा पैसा जिसको भी नॉमिनी बनाया गया है उसके अकाउंट में LIC के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज क्या है, तो इस केस में LIC ये बोलता है कि मिनिमम एज आपकी 40 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 80 इयर्स होनी चाहिए अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं। अब यहां पे दूसरा सवाल ये आता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता हूं और मैं कम से कम कितना पैसा इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता हूं। अगर हम मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बदले उतनी ही फिक्स पेंशन आपको LIC के द्वारा मिलती रहेगी। अगर मैं मिनिमम अमाउंट की बात करूं तो मिनिमम अमाउंट में LIC ने कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है कि अगर आप मंथली पेंशन लेते हैं तो कम से कम आपको इतना पैसा तो इसमें इन्वेस्ट करना है कि मंथली आपको 1000 रुपए की पेंशन मिलती रहे। अगर आप क्वार्टरली ऑप्शन चूज करते हैं तो LIC ये बोलती है कि आपको क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में एटलीस्ट 3000 रुपए की पेंशन मिलती रहे। अगर आप हाफ ईयरली का ऑप्शन चूज करते हैं तो LIC का यह बोलना है कि आप इतना पैसा तो कम से कम इन्वेस्ट करें कि अगर आप हाफ ईयरली का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको कम से कम 6000 रुपए की पेंशन मिलती रहे, या फिर अगर आप ईयरली पेंशन का मोड चूज करते हैं तो उस केस में LIC का यह बोलना है कि आप कम से कम इतना पैसा तो इन्वेस्ट करें कि आपको 12000 रुपए की पेंशन मिलती रहे। अब अगर हम LIC सरल पेंशन योजना को एक एग्जाम्पल के साथ समझे तो मान लीजिए एक पॉलिसी होल्डर है जिसकी उम्र 60 साल है और वो पॉलिसी होल्डर 10 लाख रुपया इस पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। अब ये पॉलिसी होल्डर चाहता है कि उसे साल में एक बार पेंशन LIC के द्वारा मिलती रहे, तो इस केस में LIC के द्वारा उसे दो ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है सिंगल पेंशन का और दूसरा ऑप्शन है जॉइंट पेंशन का। अब अगर पॉलिसी होल्डर पहले ऑप्शन को चूज करता है तो इस केस में LIC के द्वारा हर साल उसे 51,650 रुपए दिए जाएंगे। अगर पॉलिसी होल्डर दूसरे ऑप्शन को चूज करता है, यानी अगर वो जॉइंट पेंशन का ऑप्शन चूज करता है, तो हर साल LIC के द्वारा पॉलिसी होल्डर को 51,150 रुपए दिए जाएंगे। अगर मैं दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करूं, यानी सिंगल पेंशन ऑप्शन को और जॉइंट पेंशन ऑप्शन को, तो दोनों में केवल 500 रुपए का फर्क है, लेकिन अगर हम जॉइंट पेंशन की बात करें तो इस केस में हमें ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, बिकॉज इस केस में जो सेकेंडरी मेंबर है जब तक वो जीवित है उस समय तक LIC के द्वारा पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो जॉइंट अकाउंट है
वो केवल हस्बैंड और वाइफ ही आपस में ओपन करवा सकते हैं, यानी पेरेंट और चिल्ड्रन आपस में ओपन नहीं करवा सकते। यानी अगर आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना है तो उस केस में आप केवल अपने स्पाउस के साथ ही जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब इस पॉलिसी को अगर हम आगे समझें तो इस पॉलिसी के अंदर सरेंडर ऑफ पॉलिसी का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए एक पॉलिसी होल्डर है, उसने इस पॉलिसी को परचेज किया और कुछ समय तक उसने LIC से पेंशन भी ली, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा टाइम आता है कि पॉलिसी होल्डर अब इस पॉलिसी को आगे नहीं चलाना चाहता या उसे अर्जेंट नीड है पैसे की, तो इस केस में वो पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है। लेकिन पॉलिसी सरेंडर सिर्फ उसी केस में हो सकती है अगर पॉलिसी होल्डर की फैमिली में कुछ मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं, यानी अगर उसे मेडिकल से रिलेटेड कुछ पैसे की आवश्यकता है तो वो इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है। LIC उसे 95% उसकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट वापस कर देगी, यानी जितना भी पैसा उसने इनिशियली इन्वेस्ट किया है उसका 95% LIC उसका पैसा वापस कर देगी। अब इस पॉलिसी में लोन का ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर पॉलिसी होल्डर चाहे तो इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी ले सकता है। लेकिन दोनों केसेस में ध्यान रखने की बात यह है, यानी सरेंडर ऑफ पॉलिसी और लोन के ऑप्शन में दोनों केसेस में ध्यान रखने की बात यह है कि पॉलिसी को परचेज किए एटलीस्ट 6 months कंप्लीट हो जाने चाहिए। यानी जिस दिन आपने पॉलिसी परचेज की है एटलीस्ट उसके 6 महीने के बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या फिर पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। आई होप LIC सरल पेंशन योजना से जुड़े हुए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।